तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये जो जेल वाली बात चल रही थी आजादी की लड़ाई, कांग्रेस और आरएसएस में दोनों को बोलना चाहता हूं। ठीक है, कांग्रेस ने जो आरएसएस के लिए बोला, आरएसएस के जो प्रवक्ता बैठे हैं वो उतना तार्किक जवाब नहीं दे पाए। मैं एक चीज और बोलता हूं, अभी इन्होंने बोला 9000 या 900 कितने दिन जेल थे, मैं बोलता हूं कांग्रेस के जितने टॉप लीडर थे जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू 9229 दिन। अच्छा ठीक है, आपकी बात मैंने मान लिया। मैं ये बोलता हूं सर, एक डंडा उनको नहीं पड़ा पूरे 30-40 साल उन्होंने स्ट्रगल किया, डंडा पड़ता था जनता को। साहब ऐसी कोई 5-स्टार जेल हो तो हमें भी भेज दो, मैं पूरी जिंदगी रह लूंगा। आप उसको जेल बोलते हैं सर? जी मैं जवाब दे देता हूं। उनके लिए जेल में क्या व्यवस्थाएं थी सर, आपको पता है? चंद्रशेखर आजाद को क्या व्यवस्था थी जेल में? भगत सिंह को क्या व्यवस्था थी जेल में? जरा जवाब दे देता हूं जी। मोदी जी की जो टीम है ना वो भी बड़ी होशियार है। देखिए मोदी जी ने क्या करके रखा है, पूरे चुनाव से बीजेपी शब्द हटा दिया। अब की बार मोदी सरकार, मतलब एक प्रेशर संघ पे डाल दिया कि अगर बीजेपी की परफॉर्मेंस कम हो तो मोदी को हटा ना पाए, क्योंकि जनता के अंदर परसेप्शन तो यह गया है, जनता ये सोचेगी कि हमने तो मोदी को वोट दिया है तो नितिन गडकरी या दूसरे को क्यों बना दे। यानी ब्लॉकिंग, आगे आने वाले कॉम्पिटिटर को अभी से ब्लॉक करना। सवाल मेरा मैं एक मिनट मैं जवाब दे दूं जरा लाठी और डंडा पर भी। पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी पत्नी को विदा कराकर इलाहाबाद आ रहे थे, रास्ते में ही उनको गिरफ्तार किया गया। और एक समय ऐसा था जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की माताजी, उनके पिताजी और वो और स्वयं इंदिरा गांधी, पूरा परिवार जेल में था और हिस्ट्री की क्लास में चलाइए। नहीं नो क्लास ऑफ हिस्ट्री, इतिहास को रेफरेंस पे रखेंगे। ठीक है, हो गया हो गया। ठीक है, ओम प्रकाश जी से मेरा सवाल है। ओम प्रकाश जी से अगला सवाल। नहीं बिल्कुल भी नहीं। कांग्रेस नहीं। ओम प्रकाश, एक मिनट। अस्तित्व है बिना आरएसएस के बीजेपी नहीं, बिना बीजेपी के आरएसएस नहीं। अच्छी बात बोली थी, जो पॉइंट है, मुद्दा है समझने वाली। देखिए प्रेशर में तो दोनों तरफ के लोग हैं, एनडीए यूपीए सारी पार्टियां। देखिए संघ क्या है, संघ ने ही पिछली बार तो बता दीजिए जनता को, मन में क्यों रखे हुए हैं, प्लान कौन सा है, एबीसी कौन सा है, बता दीजिए। बता रहा हूँ ना सर, ABCDEF सब आपको बता दूंगा, आपके कान में भी बता दूंगा। अगर आपको ये लगे कि जनता को मत बताइए, आपके कान में बता दूंगा। अच्छा, कान में बताने लगे, सुन लीजिए, गणमान्य है आप, वरिष्ठ है, बताइए कान में क्या बताइए। अरे जैसे बोलेंगे सर वैसे बता दूंगा ना, पसंद होगा तो कान में बता दूंगा भाई, अंदर की बात अंदर में। वो शायद ये कहना चाहते हैं, धीरे धीरे बोल, कोई सुन ना ले। आखिरी चरण का चुनाव पूरे हिंदुस्तान का इंतजार कर रहा है, और उसके ठीक पहले अगर मायावती ने ये कह दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने छोड़ दिया है, तो इसकी इनसाइड स्टोरी क्या है, इसका राज क्या है, मेरे पूरे पैनल और देश के सबसे नामी और क्रेडिबल जर्नलिस्ट एके मिश्रा के साथ देखिए ठीक रात 8 बजे राजधर्म। देश की डिबेट होगी, आपके लिए डिबेट होगी, आप तक डिबेट पहुंचेगी, आपका सवाल होगा। राजधर्म सिर्फ और सिर्फ FM न्यूज पर, मेरे यानी राशिद और मेरी एग्जीक्यूटिव एडिटर रचना बंसल के साथ। एके मिश्रा हमें बेहतर समा बता पाएंगे क्योंकि राजनीतिक विश्लेषक हैं। एके मुझे समझाइएगा, 2 से 82 फिर 82 से 282 तक का सफर आरएसएस हमेशा साथ रहा, लेकिन क्या अभी 2019 के चुनाव में भी आरएसएस उसी तरीके से साथ है? अरे ये क्यों बोल रहे हैं सर, कौन हल्का दिमाग है कौन ये है, आप अपनी बात बोलिए, उनको अपनी बात बोलने दीजिए। रचना मैं आपको बताता हूँ, राशिद आपने जो सवाल पूछा है ना वो बड़ा जबरदस्त सवाल है, और इसमें सारी पार्टियां जो है अपना अपना वो बोलेंगी, लेकिन फैक्ट क्या है मैं बताता हूँ। देखिए बहन जी ने बात बड़ी दमदार उठाई है और अंदर की बात उठाई है, इसके पीछे दो कारण है। पहला कारण तो ये है, जब दो दलों का मेल होता है ना, यहाँ पे तो दिल भी मिल गए, उनके गुण भी मिल गए, उनकी क्वालिटी स्ट्रेटजी भी मिल गई है। अब देखिए पहला जो रीजन है बहन जी ने क्यों बोला, समाजवादी पार्टी के पास एक ऐसा चश्मा था जिसको लगा के वो अंडरवियर का रंग देख लेते थे, अब वो गुण BSP में आ गया और वो अंदर की बात निकाल ली। मैं इससे एग्री करता हूं, ये बात फैक्ट है। अब की बार आरएसएस का जो है प्रेजेंस उतना नहीं दिख रहा है। रही बात कांग्रेस के जो मित्र बोल रहे थे, फैक्ट क्या है, फैक्ट ये है कि ये नहीं भूलना चाहिए कि आरएसएस बीजेपी की जननी है, आरएसएस जो है वो बीजेपी की माता है। मनमुटाव हो सकता है, माता और बच्चा दूर हो सकते हैं,
लेकिन जब भी बीजेपी रूपी बच्चा, बीजेपी रूपी शिशु बालक वोट वोट जब उसको भूख लगेगी ना वोट वोट वोट, तो माता जरूर आएगी उसका पोषण करने के लिए। वो बात दूसरी है कि किसी को दिखे या ना दिखे। एक टर्म होता है पॉलिटिकल कैमोफ्लाज, वहां पे ये होता है कि हाँ किसी तरीके से छुपाया जाए, जितना वो पहले बाहर आते थे गाजे बाजे के साथ उतना नहीं है, और थोड़ा सा गिरावट भी मैं मान सकता हूं, लेकिन आरएसएस को कभी भी अलग नहीं कर सकते, क्योंकि आरएसएस और बीजेपी एक दूसरे के अस्तित्व है। बिना आरएसएस के बीजेपी नहीं, बिना बीजेपी के आरएसएस नहीं। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो जेल वाली बात चल रही थी, आजादी की लड़ाई, कांग्रेस और आरएसएस, मैं दोनों को बोलना चाहता हूं। ठीक है, कांग्रेस ने जो आरएसएस के लिए बोला, आरएसएस के जो प्रवक्ता बैठे हैं वो उतना तार्किक जवाब नहीं दे पाए। मैं एक चीज और बोलता हूं, अभी इन्होंने बोला 9000 या 900 कितने दिन जेल थे, मैं बोलता हूं कांग्रेस के जितने टॉप लीडर थे जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, 9229 दिन। अच्छा ठीक है, आपकी बात मैंने मान लिया। मैं ये बोलता हूं सर, एक डंडा उनको नहीं पड़ा, पूरे 30-40 साल उन्होंने स्ट्रगल किया, डंडा पड़ता था जनता को। साहब ऐसी कोई 5-स्टार जेल हो तो हमें भी भेज दो, मैं पूरी जिंदगी रह लूंगा। आप उसको जेल बोलते हैं सर? मिश्रा जी मैं जवाब दे देता हूं, उनके लिए जेल में क्या व्यवस्थाएं थी सर, आपको पता है? चंद्रशेखर आजाद को क्या व्यवस्था थी जेल में? भगत सिंह को क्या व्यवस्था थी जेल में? मेरी आपत्ति है, मैं जरा जवाब दे देता हूं जी। मैं एक मिनट मैं जवाब दे दूं जरा लाठी और डंडा पर भी। पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी पत्नी को विदा कराकर इलाहाबाद आ रहे थे, रास्ते में ही उनको गिरफ्तार किया गया। और एक समय ऐसा था जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की माता जी, उनके पिताजी और वो और स्वयं इंदिरा गांधी, पूरा परिवार जेल में था और हिस्ट्री की कोई क्लास नहीं। अंशु भाई वर्तमान भविष्य की बात कर लेते हैं, वर्तमान में हम जी लेते हैं, भविष्य को हम तलाश लेते हैं। वर्तमान और भविष्य की बात होगी। इतिहास को हम सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस में रखेंगे, इतिहास को हम रेफरेंस में रखेंगे, इतिहास को रेफरेंस में रखेंगे। ठीक है, हो गया हो गया, ठीक है हो गया। ओम प्रकाश जी से मेरा सवाल है, ओम प्रकाश जी से अगला सवाल। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ओम प्रकाश, एक मिनट, एक मिनट। कठोरता के साथ, दृढ़ता के साथ मोदी के साथ खड़ा है। देखिए राशिद, बीच में सारे लोगों ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी, जो पॉइंट है, मुद्दा है समझने वाली। देखिए प्रेशर में तो दोनों तरफ के लोग हैं, एनडीए, यूपीए, सारी पार्टियां। बीजेपी के लिए चुनौती है, जैसा कि अभी और दूसरे लोग बोल रहे थे कि आरएसएस ने 3 डिफरेंट प्लान बनाए हैं, इसकी भी संभावनाएं है। क्या बीजेपी के सामने चुनौती है कि पिछली परफॉर्मेंस को या तो बरकरार रखना या उसको एक्सीड करना। उसके साथ इनके लिए चुनौती यह है कि कैसे भी करके बीजेपी की परफॉर्मेंस को जो है गिराया जाए, अपनी परफॉर्मेंस बढ़ाए, मनोबल टूटे। इनको भी पता है कि संघ जो है ये इनका जड़ है, तो क्यों ना ये ऐसी चीजें बोली जाए। एक साथ ही प्रियंका गांधी भी अब संघ पे अटैक कर रही है, मायावती जी भी संघ पे अटैक कर रही है। इसमें आरएसएस का जो 3 प्लान आपने बताया ना, वो बड़ा जबरदस्त है। मैं आपको बताऊं, देखिए बहुत पहले भी नितिन गडकरी की बातें अखबार में आई थी। सर सुन लीजिए, आपको मिला क्या प्लान आपको? अरे सर सुन लीजिए। देखिए संघ क्या है, संघ ने ही आप पिछली बार तो बता दीजिए जनता को, मन में क्यों रखे हुए हैं? प्लान कौन सा है, एबीसी कौन सा है, बता दीजिए। बता रहा हूँ ना सर, ABCDEF सब आपको बता दूंगा, आपके कान में भी बता दूंगा। अगर आपको ये लगे कि जनता को मत बताइए, आपके कान में बता दूंगा। अच्छा, कान में बताने लगे। सुन लीजिए, गणमान्य है आप, वरिष्ठ हैं, बताइए कान में क्या बताइए। अरे जैसे बोलेंगे सर वैसे बता दूंगा ना, पसंद होगा तो कान में बता दूंगा भाई, अंदर की बात अंदर में। वो शायद ये कहना चाहते हैं, धीरे धीरे बोल, कोई सुन ना ले, कुछ इस तरह से कहना चाहते हैं। देखिए जो बुद्धिजीवी वाला सवाल है, मैं उसको यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। ये देखिए पार्टी में इंटरनल कॉम्पिटिशन भी होता है, ऐसा नहीं है कि पार्टी में सब मोदी के प्रशंसक है, अंदर कॉम्पिटिशन चलता रहता है। कोई भी आदमी जब मोदी के खिलाफ नहीं बोल सकता है, तब नितिन गडकरी की न्यूज आई कि ये पीएम हो सकते हैं, उनसे सवाल भी पूछा गया। इतनी हिम्मत किसी और की नहीं हो सकती है, बिना आरएसएस या नागपुर के बैकअप के। मोदी जी की जो टीम है ना, वो भी बड़ी होशियार है। देखिए मोदी जी ने क्या करके रखा है, पूरे चुनाव से बीजेपी शब्द हटा दिया, अब की बार मोदी सरकार, मतलब एक प्रेशर संघ पे डाल दिया कि अगर बीजेपी की परफॉर्मेंस कम हो तो मोदी को हटा ना पाए, क्योंकि जनता के अंदर परसेप्शन तो यह गया है, जनता ये सोचेगी कि हमने तो मोदी को वोट दिया है तो नितिन गडकरी या दूसरे को क्यों बना दे। यानी ब्लॉकिंग, आगे आने वाले कॉम्पिटिटर को अभी से ब्लॉक करना। सवाल मेरा